एक क्वाड्रिलेटरल है कोई हमारे पास, जैसे मान लो फिर से भी सेंटर में रहेंगे, इनके एंगल का हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया, 4:3:2:1। हाँ, एक क्वाड्रिलेटर के जो है एंगल का और वे रेशियो दे रखे हैं, अच्छे 4 एंगल है, 4 का रेशियो, इसको वैसे कर ले, कह रहे वैसे कर लेते हैं। इधर देखो, ये ए एंगल, ये बी एंगल, ये सी एंगल, ये डी एंगल, तो ये 4 है, तो ये 3, ये 2, 1, और टोटल कितना हो गया ये मेरे पास में 10। तो इन चारों का सम 10 है, वैसे कितना होता है 360, कितना गुणा है 36 गुणा। अब ये क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट कौन सा है, 144। तो ये 36 है ना, 72 और 72, देखो इधर 144 डिग्री है ना, और नहीं बैठो इधर, ये 4x, ये 3x, ये प्लस 2x प्लस x बराबर 360 डिग्री, यहाँ से आप कहोगे 10x बराबर जो है 360, x बराबर 360 अपॉन 10, कट गया, x बराबर कितना आ गया 36, और वही इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है, हाँ? आपको इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, हाँ इधर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मैंने बताया बड़ा बनाएंगे तो बड़ा लोग, छोटा बनाएंगे तो छोटा, तो पहले ये क्या पड़ेगा 48 और 15, और ध्यान रखना मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर 50 बढ़ता है ऊपर, 50 बढ़ता है, देख लेना आप छोटे से लेना ये, अच्छा इसको किसे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा बना रहे हैं ना 60, तो 18 अपॉन 5 से करेंगे, तो ये इससे कट गया 10, ये कट गया 6 10, और 60 किलोमीटर पर आवर, किसमें ये सर 83 वाले में तो आपने बताया ज्यादातर ए ऑप्शन आने के चांस ये आता है। हाँ, अब देखो ये नया था, सेलिंग प्राइस ऑफ एज एन आर्टिकल एज जो है, अब सुनो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, तो ये कह रहा है एसपी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज है 1/3 ऑफ जो है सीपी, कॉस्ट वैल्यू ना सीपी, ठीक है, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये एसपी जो है क्या बनेगा 4/3 इनटू सीपी, सीपी यहां से कहां जाएगी, आप बताओ कि प्रॉफिट है लॉस है, बताओ लॉस प्रॉफिट है, सीपी 3 रुपए प्रॉफिट है, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस 4 रुपए, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का, किस पर होता है सीपी पर, 3 रुपए पर इनटू 100, तो 100 अपॉन 3 को क्या लिखेंगे 33 होल 1 आपने बताया था कि सर 99.9% ये होगा, हां तो मैंने कहा ना इसमें भी ये अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है ना तो उसमें मोस्टली यही इसका आंसर होता है, और अब तक शायद दो क्वेश्चन हमारे ऐसे आ गए सही, और दोनों में आपने ऑप्शन ये निकाला वही है, वही है ना, मैं तो इसी में तुक्का, मुझे पता नहीं क्या आएगा, मुझे ही पता था ये है 4x³ - x, और ये है मेरे पास 2x+1, और ये है 6x-3, ये है ना, और कह रहा है x बराबर जो है 33। अब सुनो, अब पहले तो हम दिमाग लगाएंगे भाई, ये सारा कह रहा है x की वैल्यू 33 है, इसमें रख दो और सोल्व करो, अभी यहाँ टाइम ज्यादा लगने वाला है, ठीक है, बजाय इसके अगर फैक्टराइज करते हैं तो अब ये काम आसान है, तो ऊपर वाले फैक्टर करेंगे तो x कॉमन आ गया, ये आ गया 2x² - 1, और ये आ गया 2x+1, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हाँ इसमें इसमें हाँ 3, तो यहाँ लगा दूंगे, ये बच गया 2x-1, सही है क्या, अब देखो इसको अगर ध्यान से अगर मैं इसको यहाँ फोर से ली फोर है ना यहाँ पर, इसको मैं यू ले सकता हूँ क्या 2, यहाँ पर 4 बचेगा ना, 4x² बचेगा, इसको ले सकते हैं ना, या मैं लॉजिकल स्टेप में लिखे हम, ये मेरे पास में ये है, तो x इसको मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 2x² - 1² और नीचे गया 3 और 2x+1 और 2x-1, यही क्या, हाँ ये दिख रहा है क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको लिखे हम x 2x+1 और 2x-1
और ये क्या है 3 और 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, तो ये सारा कट गया, रह गया x अपॉन 3। अब इसमें रख दो 33 अपॉन 3 कट के क्या गया 11, ठीक है ना। इसमें लकड़ी टूटते क्या, इसमें लकड़ी करें सीमेंट और जो है मिट्टी का जो रेशियो है सैंड, ठीक है ना। तो ये मान लो सीमेंट है, ये हमारे पास सैंड है, तो ये 7 है, कितनी है 3 है। अच्छा टोटल कितना हो गया 10। अच्छा ये कितना बता रहा है मिक्सर, कितना है टोटल हमारे पास 40। 40 कितना गुणा है 4 गुणा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इसको मतलब ये हमारे पास आ गया। अब आगे क्या करेंगे हम, कितना और जोड़ेंगे, क्या अभी कर रहे हैं, हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू जो है, और इसमें कितनी सीमेंट और मिला है, सीमेंट ये है ना। तो इसमें अगर हम सीमेंट मान लो x मिला दें, हमें नहीं पता x मिला दिया हमने, आप से क्या, हां ऑप्शन से कर लो, ये बात बिल्कुल ठीक है, चलो ऑप्शन से कर लेते हैं। अब मेरे पास देखो सीमेंट तो कितनी आ गई 28 और ये आ गई 12। अच्छा अब ये कह रहा है चार ऑप्शन लो, ऑप्शन रख लेते हैं, चलो ये 3 kg, उसके बाद में क्या है 5 kg, और फिर ये है 4 kg, और ये मेरे पास में है 2 kg। तो कह रहा है इसमें सीमेंट अपन और भी लाएंगे, सिर्फ सीमेंट ही मिलानी है। अच्छा रेशियो क्या बन जाना चाहिए, रेशियो बन जाना चाहिए वो मेरे पास में 8:3। तो चलो एक मिनट रहा है, इसमें 4 kg मिला दे क्या, तो इसमें जैसे ही मैं 4 kg मिलाऊंगा तो क्या बनेगा 32, और ये तो उतना ही सेंट उतनी रहेगी मैं। अच्छा इनका रेशियो निकालना है, किसे काटेंगे सर, ये काट दो आप, एक से 4 से और से क्या, ये कितनी बार 3 times, ये 8 times, तो बस ये हो गया, ठीक है। x माइनस y का क्यूब और प्लस 3 x माइनस y का, ये x प्लस y और प्लस 3 x माइनस y, और ये है x प्लस y का क्यूब स्क्वायर, और साथ में गाइस के साथ में है प्लस x प्लस y का क्यूब। हाँ तो दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, एक ही क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी की क्यूब, हाँ ये देखा है क्या, किसके बराबर होता है ये, क्या ये देखा है नहीं, किसके बराबर होता है ये, a प्लस b के होल क्यूब के बराबर। एक काम करता हूँ मैं, x माइनस y को तो मैं a मान लेता हूँ और x प्लस y को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे एक बार। इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, a की क्यूब प्लस 3, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस वाई को, प्लस 3 इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर और इसको लिखेंगे बी की क्यूब, सही यहां तक अब दिख रहा है क्या, ऊपर वाला ही ना, इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं ए प्लस बी की होल क्यूब। अब ए और बी की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, तो a बताओ कितना है मेरे पास, x माइनस y, ये मेरे पास क्या है x प्लस y, d की वैल्यू, d की वैल्यू ये है ना, और a की ये है, कट जाएगा, कट गया, क्या रह गया 2x, 2x की क्यूब क्या बनेगा 8x की क्यूब, इसलिए है सर बी ऑप्शन। हाँ अगर आप इसको पूरे वैसे खोल के सॉल्व करोगे तो बहुत खेलने सवाल हो जाएगा, और सब कट के यही हो जाएगा लास्ट में, किसमें ये ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें पता है इनका जो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। अच्छा अब ये एंगल इसलिए बता रहे हैं, एक तो है 2x डिग्री और एक हमारे पास में क्या है सर 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री माइनस 10 बराबर 2x
टू एक्स एंड है और ये थ्री एक्स डिग्री माइनस टेन माइनस टेन ये सर इनको प्लस करके और 180 बराबर कर देंगे क्योंकि इनका सम क्या होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो ये हो गया 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री माइनस 10 बराबर 180 डिग्री कितना हो गया 5x और ये 180 हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा नहीं यार तो 5x बराबर क्या 190 x बराबर क्या बनेगा 190 अपॉन 5 कट गया कितनी बार पहले जाएगा 3 टाइम और फिर जाएगा 8 टाइम 40 और 30 80 तैयार कर दे हाँ सर मैं बताऊँ ये वाला पूछा है ये एंगल पचास कैसे टोटल ये ए और बी तो टोटल 5 हो गया अच्छा ये कितना बता रहा है इनका सम हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है और ये कितना बता रहा है 35 तो बताओ कितना गुणा है 7 गुणा इसको 7 से गिनेंगे 14 इसको 7 से गिनेंगे बस अब इसने क्या पूछा है इनका प्रोडक्ट पूछा है इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं 14 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा ये 4 ये 2 ये 8 और 9 तो 2 9 4 इसमें ये हाँ माइनस फोर और माइनस हाँ कौन से क्वाड्रेंट में होगा जहाँ पे दोनों माइनस के होंगे पर कौन से में तीसरे में होगा हाँ दोनों ही माइनस के हैं बना के देख लेता मैं अरे बना के देख ले रही है ना इसे बना ले इसमें दोनों ही प्लस इसमें एक्स प्लस तो माइनस का इसमें दोनों ही माइनस के इसमें एक्स प्लस का और वाई माइनस का तो यहाँ से कौन करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन से में आएगा दोनों माइनस में थर्ड में आएगा चलो है कि हमें लिख रही है 10 से छोटे 20 से छोटे प्राइम नंबर पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 ये 20 से छोटे सभी गए हैं प्राइम नंबर अच्छा इसमें क्या क्या है ओड प्राइम नंबर तो इसका मतलब इस दो को नहीं लेना क्योंकि ये दो ही एक ऐसा मात्रा है जो क्या है इवन होता है बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर वो ओड है ठीक है अच्छा अब इनका हमें एवरेज निकालना है तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा प्लस इनका क्या करेंगे प्लस अच्छा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है क्या और ऑप्शन में भी देखा 7 है दे रहे हैं ना अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो कम से कम आप वो 7 वाला तो खरीदो इतना पता है कि 7 ठीक है 6 और 9 तो बढ़ेगा नहीं हाँ तो आप सुना तो इनका सम करेंगे तो ये तो कितना हो गया 30 ये भी 30 हो गया 7 3 10 और ये 5 तो ये आ गया मेरे पास में यानी 75 अपॉन 5 7 सॉरी सही है क्या अब इसको कहीं लिखेंगे 1 होल 5 अपॉन 7 तो किसमें ये ए नहीं
नहीं खाने देना, अपन ने थोड़ी ना समझाया। नफे से पहले मेरे दादा खत्म हुए थे, तो उनकी बनाई थी वो जो पहले चलने चलती थी। क्या पहले चलती थी ना वो कैसे हैं वो वीडियो आजकल कैसे चलती है? हाँ कैसे पे तो उनकी फोटो भी देखी थी, आज भी वो देखते हैं तो याद आता है अपन। मैं तुम्हारी शेयर कर रहा हूँ उस समय, तो मेरे दादाजी को देख ही नहीं पाया। मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी उसके पहले। बहुत संघर्ष किया तेरे पापा ने, बहुत मेहनत की है। तो तुम भी मेहनत किया करो अभी से, बोल रहे हो ना? अभी जो मेहनत करोगे ना यही काम आएगी, बाद में टाइम नहीं मिलेगा मेहनत करने के लिए। तुम देखो मैं कल कर लूंगा, आगे कर लूंगा, तो आगे कुछ नहीं है तो मैं अभी करना है। अच्छा तो मेरे नाना जी रेलवे में, तो मैं नानी जी को जाऊंगा। हाँ सही है। हाँ ये सही है। दो साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या किया है कि पहले ये फर्स्ट ईयर के लिए है, इतने रुपए कम हुए, तो हमने ये पहले साल के लिए हमने रुपए निकाले, भी कितने रुपए कम हुए, तो हमारे पास में कितना आ गया? ये 1,00,000। 1,00,000 रुपए कम हो गए ना। अच्छा अभी 1,00,000 इस पे कम करेंगे तो अभी यानी हमारे पास ही कितनी होगी? 4,00,000 की होगी। अच्छा 4,00,000 पर फिर हमने क्या निकाला? उसका 20% निकाला, 80,000, ठीक है ना? 80,000 रुपए उस पर फिर कम हो गए ना। अब वो 4,00,000 की थी, उस पर 80,000 कम कर दिया हमने, और हमारे पास है 3,00,000 जो है 20,000 की होती है। फिर माइनस में भी चली जाएगी, क्यों नहीं है? 3,00,000 में से जा सकते हैं, इसको खरीदने पर पैसे मिलेंगे ना। हाँ दूसरा ये था, लोगों ने बताया था यहाँ पर ई बराबर पी जीरो आर वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, ठीक है ना, यहाँ हम ए लिखते थे, यहाँ पी लिखते थे, तो यहाँ पी जीरो मतलब जो परसेंट आज की रेट में। तो अब ये कंफ्यूज होते हैं कहीं जाने का ना, ये है जो पी जीरो है मतलब पहले क्या है, ठीक है ना, और ये है आगे की। अब सपोज करो आपको 2 साल पीछे की पूछ लेता, 2 साल पीछे की, तो मतलब ये पी जीरो है। अब वो कहता आज ये है, अब वो कहता आज की डेट को, अगर जैसे अब मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पर मेरे पास में पी जीरो बराबर है 5,00,000 है। इस क्वेश्चन के लिए पी जीरो क्या है? 5,00,000 है, क्यों? इसने आगे की पूछी है, तो ये होगी पी पी निकाल ली है। और ये बात क्या था आज ये, तो 2 साल पहले क्या थी? हाँ तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता पी बन जाता, और पी जीरो में निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप यानी कि ये 5,00,000 आप यहाँ लिखोगे आप, क्योंकि पीछे ये है ना, पीछे की मतलब ये वाली, तो ये यानी फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली ऐसे कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ रखेंगे आप, देखो यार, तो ये बनेगा 5,00,000
अच्छा वन पास वन माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड की पावर टू बने ये है। हाँ इससे पहले क्या था मैंने यहाँ प्लस ले लिया था तो प्लस ना क्योंकि डिक्रीज हो रही तो क्या करेंगे माइनस और बट लिए तो प्लस तो देखो ये फाइव लेख ये क्या बनेगा देखो इधर हंड्रेड और माइनस ट्वेंटी क्या बनेगा एट्टी एट्टी अपॉन हंड्रेड और एट्टी अपॉन हंड्रेड तो ये दो जीरो तो मैं ये काट देता हूँ ये दो जीरो मैं ये काट देता हूँ तो मेरे पास देखो तीन जीरो बच गए ये वाली तीन जीरो। अच्छा अब एक काम करता हूँ मैं इसको कर लेता हूँ तो ये फोर्टी बनेगा ना तो एक जीरो तो ये आएगी। अच्छा अब इसको इससे करेंगे क्या बनेगा थ्री टू हाँ और एक ये एक जीरो और आएगा नहीं सर हो गया हाँ तो ये अपने पास आ गया तीन लाख वो आएगा तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था वो सीधा ठीक है।